एनसीसी न्यू भर्ती परीक्षा 2023 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 10 टोटल 40 क्वेश्चन है, तो क्लास पूरा करना और लास्ट में कमेंट करके बताना कितना सही किया। एक क्वेश्चन में मात्र 10 सेकंड मिलेगा, लिमिट टाइम में आंसर बताइएगा। और जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और जिन लोगों ने एनसीसी ज्वाइन कर लिया, आपकी क्लास डेली अब 7:10 बहुत ही उस टाइम पर आप क्लास करेंगे। और जिनका अभी नहीं हुआ है, आप लोग सब लोग जो लोग नहीं किए अभी तक, प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे 37 सब्जेक्टिव मॉडल पर उसको याद करेंगे, बाकी नए क्वेश्चंस में ग्रुप में भेजते रहता हूँ। जिन्हें पीडीएफ लेना है इस वेबसाइट पे मिलेगा, सभी को जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, विनर वही होगा जिनका 40 में 40 सही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी का ध्वज कितने रंगों से बना है? 3 रंगों से, 4 रंगों से, 5 रंगों से, 10 रंगों से? एनसीसी का ध्वज यानी एनसीसी का झंडा कितने रंगों से बना है? टाइम आपका इधर चल रहा, तो लिमिट टाइम आंसर बताइएगा और काउंट करते रहना कितना सही किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3 रंगों से। सेकंड, एनसीसी का सर्वोच्च अधिकारी कौन और किस पद का अधिकारी होता है? पद मतलब रैंक, किस रैंक के होते हैं? महानिदेशक जनरल, महानिदेशक लेफ्टिनेंट, महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल, महानिदेशक कैप्टन, क्या होगा? जो लोग पढ़े उनको पता होगा, जो लोग नए हैं आपको बहुत क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे, तो कल से पढ़ के आना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल। थर्ड, भारत में सबसे ज्यादा जिला वाला राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, असम? सबसे ज्यादा जिला किस राज्य में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगर आप पढ़े हैं तो, ये तो फिर तो बहुत टफ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। फोर्थ, भारत के सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले जवान का नाम और दिनांक बताएं। मेजर सोमनाथ शर्मा 1950 में, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल 1971 में, कैप्टन विक्रम बत्रा 1999, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे 1999। सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आते हैं ऑल इंडिया में, सब जगह सेम, तीनों विंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल 1971 में। फिफ्थ, मच्छर काटने से क्या हो सकता है? डेंगू, रेबीज, प्लेग, अस्कर्वी? और ये सारे क्वेश्चन अब तक भर्ती में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, ये कहीं आपको बुक्स में इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है डेंगू। सिक्स, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री रामनाथ कोविंद, श्री नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी? हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? और अभी मुझे 2023 का एक ओरिजिनल क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन पेपर पूरा, मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी। सेवन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, फरक्का बांध? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, टिहरी बांध, गढ़वाल, उत्तराखंड। एट, भारत T20 वर्ल्ड कप कब जीता? मतलब ये पूछ रहा पहला, 2007 में, 9 में, 11 में या 13 में? भारत ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता था? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2007 में। 9, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कमलनाथ, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ MP? क्या होगा? करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, शिवराज सिंह चौहान। 10, IYD का फुल फॉर्म लिखे, इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल यंग डे, इंटर यूथ डे? फुल फॉर्म ऑफ IYD, करेक्ट आंसर ऑप्शन है इंटरनेशनल यूथ डे। 11, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 183 मीटर, 200 मीटर, 180 मीटर, 182 मीटर? क्लास पूरा करना 40 का 40, पूरा नहीं करना होगा तो टाइम नहीं तो बाद में करना, आधा अधूरा नहीं किया, अभी या दो क्वेश्चन करके भाग गए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 182 मीटर, फीट में पूछेगा तो 597 फीट। 12, वैज्ञानिक रूप में भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्री रामनाथ कोविंद, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। डेली क्लास 8:05 बहुत ही टाइम से करेंगे आप। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 13, सिक्किम की राजधानी बता, जयपुर, लखनऊ, देहरादून, गंगटोक। वेयर इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, क्या होगा 13 का बच्चा वाला क्वेश्चन है, राजधानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी गंगटोक। 14, पाकिस्तान से लास्ट बार लड़ाई कब हुआ था, 1999 में, 1971 में, 1965 में, 1947 में। पाकिस्तान से लास्ट बार लड़ाई कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1999 में। 15, संसार का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन। संसार का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द होल वर्ल्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हिंदू। 16, कुरान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, जैन। कुरान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस्लाम। 17, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, वेद, मनुस्मृति, महाभारत, दर्शन शास्त्र। काउंट करते रहना आप कितना गलत कितना सही कर रहे हो, लास्ट में कमेंट करके बताना। करेक्ट आंसर ऑप्शन है वेद। 18, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, गीता, वेद, त्रिपिटक, बुद्धचरित। तो कुछ लोग पढ़ के नहीं आते, बुद्ध बौद्ध से रिलेटेड है तो लिख देगा बुद्धचरित, पढ़ के आया करो, ठीक, नहीं पढ़ोगे फंसोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी त्रिपिटक। 19, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने, केशव चंद्र सेन ने, स्वामी विवेकानंद ने। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने। 20, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, विद्यानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, रविनाथ टैगोर ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, और सुबह में 8 बजे आपका कंपटीशन वाला क्लास चलेगा थोड़े दिनों बाद से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने। 21, एनजीओ का फुल फॉर्म लिखें, नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नर ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ओरिएंटेशन। फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ, स्पेलिंग फुल फॉर्म का याद करना, ऑप्शन याद करोगे फंसोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 22, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील, डल झील, चिल्का झील, सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, 22 का क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चिल्का झील। 23, स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया, निरंकुश शासन व्यवस्था को, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, संस्थागत शासन व्यवस्था को, इनमें से कोई नहीं। आजादी के बाद भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू की गई, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। 24, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारत रत्न, क्या होगा 24 का। ग्रुप टेलीग्राम पर है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार। 25, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रपति।
26. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, असम, उत्तर प्रदेश. मतलब एरिया में भारत का सबसे छोटा राज्य, एरिया में पूछा, ध्यान देना, पॉपुलेशन में अलग है, एरिया में अलग है. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गोवा. 27. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? टोक्यो और ओसाका पर, हिरोशिमा और कावासाकी पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, नागासाकी और टोक्यो पर. सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका ने गिराया था जापान के दो शहर, अभी तक उसका असर है, तो बताइएगा. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हिरोशिमा और नागासाकी पर. 28. कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? कोयला, हीरा, सोना, चांदी. प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 और 12 क्वेश्चन है तो पूरा क्लास करना. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हीरा यानी डायमंड. 29. मानव शरीर के किस अंग को यानी किस बॉडी पार्ट को रक्त बैंक ब्लड बैंक कहते हैं? हृदय को, स्प्लीन को, फेफड़ा को, धमनी को. ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट को ब्लड बैंक कहा जाता है? 29 का क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, स्प्लीन को. 30. हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? विटेंजोन, मिल्की वे, आकाशगंगा, इनमें से कोई नहीं. मतलब जो पृथ्वी का गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? सारे क्वेश्चन एनसीसी भर्ती में ऑल इंडिया में पूछे गए हैं और ऑलमोस्ट इसी में से आते हैं, 100% भी आते हैं, बाकी नहीं तो दो चार नए क्वेश्चन आ सकते हैं बाकी सबसे, तो बी होगा, मिल्की वे. 31. FIR का फुल फॉर्म लिखें. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रेंट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. जिनको स्पेलिंग नहीं पता है आप गलत हो. फुल फॉर्म ऑफ FIR क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. 32. अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, लाल बहादुर शास्त्री ने. अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने. 33. दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने, हेंस लिपर्सी ने, न्यूटन ने, एडिसन ने. हु इन्वेंट दूरबीन? 33 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है, गैलीलियो गैलीली ने. 34. भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार. ध्यान दे, सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड ऑफ इंडिया पूछा, मतलब सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भारत रत्न. 35. मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम लिखिए. चंडीगढ़, भोपाल, पटना, शिमला. वेयर इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? बच्चा वाला क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भोपाल. 36. हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, 12 अगस्त 1945 को, 15 अगस्त 1945 को. और इसके बाद चार क्वेश्चन है, पूरा क्लास करना और लास्ट में कमेंट करके बताना कितना सही किया. हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन है, 6 अगस्त 1945 को. 37. नेपाल की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद, काठमांडू, थिम्पू, देहरादून. वेयर इज द कैपिटल ऑफ नेपाल? 37 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, काठमांडू. 38. खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण, फोटोसिंथेसिस के कारण, रेड ब्लड सेल्स के कारण. खून का रंग लाल क्यों होता है? 38 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन के कारण. 39. विटामिन सी का रासायनिक नाम लिखो. अस्कर्वी, रेटिनोल, स्कर्बिकम, इनमें से सभी. केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी,
ये भी क्वेश्चन आपके भर्ती का पूछा गया, टोटल जितने 37 मॉडल पेपर सारे एसएससी भर्ती के पूछे गए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्कॉर्बिकम। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, गलवान घाटी कहाँ पर स्थित है? जम्मू के नजदीक, भारत और चीन बॉर्डर के पास, भारत में, चीन में। गलवान घाटी कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भारत और चीन बॉर्डर के पास। तो आज के विनर कौन कौन है कमेंट करके बताएं, जिनका 40 में 40 है आप सभी को कांग्रेचुलेशन, आपका कितना सही कमेंट करके बताइए। बाकी कल शाम में 8:05 पे ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 11 होगा, पढ़ के आइएगा। कहाँ से पढ़ेंगे? तो प्ले स्टोर से सर्च कर लेंगे तेजस NCCR, इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। और 37 सब्जेक्टिव मॉडल पेपर पढ़ना, होमवर्क केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ना, बाकी एक दिन में जितना पढ़ सको 5-10 इसको रिविजन करना 37। जिन्हें PDF लेना यहाँ मिलेगा इस वेबसाइट पर, बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ सब ज्वाइन कर लेंगे। कोई दिक्कत हो मैसेज करना टेलीग्राम पे, क्योंकि इंस्टा पर आप लोग फालतू का वीडियो पोस्ट भेजते हो, मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ, तो टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, ठीक है? ग्रुप ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं कल, चैनल सब्सक्राइब करेंगे जो लोग नए हैं, ऐप डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से तैयारी कीजिए। फिजिकल के लिए आप वीडियो देख लोगे प्ले लिस्ट में जाकर कि फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, ओरिजिनल वीडियो अवेलेबल है। अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।